सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाकर भी आपको आपके लक्ष्य से हटाने में नाकाम हो जाए। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक दे के जाते हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। नाकामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आती है। कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, छाव अगर होती तो कब के सो गए होते। आज का पंचांग, मांग मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:46 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र सुबह 11:18 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:46 से 11:13 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:15 से 1:04 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 27 फरवरी 2021 दिन शनिवार। आप अभी अमीर महसूस कर रहे हैं और धन को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। अच्छी कंपनी का मजा लें। दूसरे लोग भी आपके करिश्मे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी बनाए गए कनेक्शन भविष्य में सहायक साबित हो सकते हैं। आपका यह समय खुशियों से भरा हुआ है। अपने इस अच्छे पलों को प्रियजनों के साथ बांटें। व्यावसायिक रूप से आप यह जानते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बेहतरीन कुशलता और व्यवहार दोनों हैं। जो लोग मंजिल पाने की चाहत रखते हैं, वो समुन्दरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। आज आप काल्पनिक से मूड में हैं। अलग अलग भूमिकाएं निभाने और कल्पनाओं में आपको कुछ मजा आता है। आप अपने लिए हर कहीं रोमांस ढूंढ लेते हैं। आपके सपनों की एक दुनिया है जिसे आपको सच करने का मौका मिल सकता है। आप आज अपनी भावनाओं के वश में होकर संबंधों या करियर में कुछ असंभव सा हासिल करना चाहते हैं। हालांकि बड़े फैसले लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। आज रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम संपन्न होने की उचित संभावना है। अपने कार्यों को पूरी मेहनत और निष्ठा से करें, आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका विशेष स्थान रहेगा। लोगों का आपके प्रति रखा बरता और उनके आपके बारे में विचार, इन दोनों बातों की तरफ ध्यान देते हुए परिस्थिति का अवलोकन करने की आवश्यकता होगी। किस व्यक्ति पर कितना विश्वास रखना है, इस बात को परखना ही व्यक्तिगत बातों के बारे में चर्चा करें। परिवार से संबंधित समस्याओं की चर्चा बाहरी व्यक्ति से करने से परहेज रखें। काम से संबंधित मिला नया अवसर आपके मन में दुविधा बढ़ा सकता है। पार्टनर के मन की परिस्थिति जान पाना आपके लिए कठिन हो सकता है। कफ या सर्दी जैसी तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। विदेशी कंपनी में निवेश लाभ दे सकता है। बाजार के उठा पटक झटका दे सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। मानसिक शांति अनुभव भी कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों से उच्च अभिकरण में करियर संबंधित कोई अपील कर रखी है तो अनुकूलता रह सकती है। खनन व्यवसायियों को लाभ हो सकता है। सावधानियां, आपके कुछ नजदीकी मित्र या रिश्तेदार ही आपके खिलाफ कुछ अफवाहें फैला सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। विद्यार्थी और युवा वर्ग अपने लक्ष्य को आंखों से ओझल ना होने दें। यात्रा करते समय अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंध आपके
पारिवारिक जीवन में जहर घोल सकते हैं। क्लब या समूह या सोसाइटी में भागीदारी से आप किसी खास से मिल सकते हैं क्योंकि लक पूरी तरह से आपके पक्ष में है। इस समय कोई भी आपके आकर्षण से बच नहीं पाएगा। आपके प्यार की गर्मी से प्रभावित होकर आपका साथी आपको पूरी तरह से सुरक्षित और प्यार महसूस कराएगा। आपके चारों ओर खुशियों की बहार है। आज आप उत्सुक और उत्साहित हैं व उन लोगों की संगत का मजा ले रहे हैं जो आपकी परवाह करते हैं। अपने प्रेमी के लिए आपके मन में उमड़ा प्यार का सागर आपको प्रफुल्लित रखेगा। आपकी आंतरिक ऊर्जा ही दूसरे लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है और लोग आपसे प्यार करते हैं। आज आप और आपका पार्टनर दोनों ही कोई फैसला करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। संभावना है कि आज आप बैठकर आराम से अपने इस संबंध के फायदे और नुकसान की सूची बनाकर यह तय करेंगे कि आपको इसे आगे बढ़ाना है या नहीं। इस सारी लिखा पढ़ी में ऐसा हो सकता है कि आप या तो अपनी भावनाओं को कम महत्व दें या बिल्कुल ना दें, लेकिन आपको कोई भी फैसला लेने से पहले अपने दिल के भी सुनने चाहिए। बात करते हैं करियर की। आज का दिन सट्टा व्यापार के लिए उपयुक्त है और बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना लें। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखें अज्ञानता में लिया गया फैसला नुकसान दिला सकता है, इसीलिए फिलहाल लॉटरी के मकर जाल में ना फंसें। बिना सोचे समझे सट्टा खेलना या निवेश करना हानिकारक है, जिनमें भाग्य भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। परंतु अगर आप हर सिक्के के पहलू पर गौर करके निवेश करेंगे तो आपका निवेश उचित दिशा में जाएगा, जो कि फायदेमंद साबित होगा। व्यापार में लाभ पाना चाहते हैं तो सोच समझकर निवेश करें। कोई दोस्त या शुभचिंतक अचानक आई घरेलू मुसीबतों को दूर करने में मदद करेगा। अपनी कड़ी मेहनत से आप किस्मत पलट सकते हैं। अपनी मन ही भाव को उच्च रखें, इसके बाद दुनिया आपके कदमों में होगी। आज आप अच्छे मूड में हैं और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जिनकी कंपनी आपको पसंद है। मजा मस्ती और पार्टी आज आपके दिमाग में केवल यही सब है। आपके पास खुश रहने और सफलता प्राप्त करने के लिए सब कुछ है। आप आत्मविश्वास और आशा से भरपूर हैं और आपका यह रवैया दूसरों को प्रेरित कर सकता है। नौकरी में बॉस व उच्च अधिकारी आपके काम से संतुष्ट होकर पदोन्नति दे सकते हैं। व्यवसाय अथवा कामकाज को लेकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज का उपाय, आज आप गरीबों को काले कंबलों का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।